नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर आज हम इकाई का अंक को फाइंड करेंगे। तो देखिएगा कुछ बेसिक से चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जिन अंकों के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 होते हैं और इनकी घात कुछ भी हो, हमेशा यही अंक इकाई के स्थान पर ये आते हैं। देखो जिनका इकाई का अंक ये होता है उनके इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। इनको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, यही अंक हमारे आ जाते हैं। अब अदर अंकों की हम बात करें, जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8 और 9, तो इनमें क्या करना है, हमें इकाई के अंकों की घात में हमें 4 से भाग करना है, जिनके स्थान पर इकाई का अंक ये अंक होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो 570 की घात कितना है, 67 है। तो इकाई का अंक कितना है, हमें इसमें 0 है। देखो मैंने बताया था जिनके स्थान पर इकाई का अंक के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उनके इकाई का अंक हमेशा यही रहते हैं। तो 0 का इकाई का अंक कुछ भी घात हो, चाहे घात हो कुछ भी, तो 0 क्या इकाई का अंक कितना हो गया, 0 ही हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को हम समझते हैं क्या है। 81 की पावर 80, 16 की पावर 21 और 15 की पावर 25। तो देखो 1 का इकाई का अंक कितना हो गया, 1 ही हो गया, और गुणा इसमें 6, देखो इकाई का स्थान पर ये आ गया, 6 का इकाई अंक कितना हो गया, इसमें 6 हो गया, और 5 का इकाई अंक कितना हो गया, इसमें 5 ही हो गया, और 6 पंजे कितना हो गया, 30। तो अब बताओ 30 में इकाई अंक कितना हो गया, 0। तो दोस्तों 30 में इकाई अंक कितना हो गया, इसमें 0 इसका आंसर हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं क्या है। 5 की पावर 63, 7 की पावर 85 और 9 की पावर 70। तो 5 का इकाई अंक तो 5 ही रहता है, तो इसका तो 5 ही आ गया, गुणा 7 की पावर कितना है, 85 है, हमें इसमें कितने से भाग करना है, 4 से। तो 4 से भाग करो इसको, 21 चौक 84, तो 85 में से 84 घटाएंगे तो कितना बचा, 1, 7 की पावर 1, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 7, और गुणा 9 की पावर कितना, 70, 70 में 4 से भाग करो तो 17 चौक 68, 70 में से 68 घटाएंगे कितना बचा, 2, और 9 की पावर 2 बचा, तो 9 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 81, 81 में इकाई का अंक कितना हो गया, 1। तो देखो 7 पंजे 35 और 35 एकम 35, तो बताओ 35 में इकाई का अंक कितना हो गया, बताओ 35 में इकाई का अंक कितना हो गया, 5। तो इकाई का अंक इसका कितना आ गया, 5 आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन हम, 37 की पावर 132, हमें तो केवल लास्ट में 2 अंक में भाग करनी है, किससे, 4 से। 7 की पावर कितना हो गया, 32। अब 7 की पावर 32, 32 को 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32 पूरा कट गया, तो 7 तो शेष तो कुछ बचा नहीं। तो जब कुछ शेष नहीं बचता है तो हम घात कितनी लेते हैं, हम 4 लेते हैं। जब कोई शेष नहीं बचता है मतलब 4 से पूरा कट जाता है, तो हमें 4 घात लेनी होती है उस अंक की, इकाई के अंक की। तो 7 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 77 49, और 49 49 से गुणा करेंगे तो 9 9 81, मतलब इकाई के अंक पर कितना, 49 49 49, तो इकाई का अंक का मान लेना है हमें, तो 9 9 81, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया इसका। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को हम समझते हैं। 57 की घात कितना, 25 है। 25 में हम तो कितने भाग करेंगे, 4 से, तो 4 6 24, तो 7 की घात कितना बचा, 1 बच गया शेषफल में, मतलब तो 7 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 1, और माइनस का 1 ये घटा देंगे हम, तो कितना हो गया इसका इकाई अंक, 6। इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। करते हैं हम अगला एग्जाम्पल, इसका इकाई अंक हमें फाइंड करना है। तो देखो 0 इकाई अंक से मतलब है, हमें तो केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। तो 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 0 होता है। 1 का भी इकाई अंक हमेशा 1 ही रहता है। अब प्लस यहाँ पर आओ, 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस 3 की पावर 3 मतलब 3 3 9 27, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 3 3 9 और 3 27। तो इसमें देखो इकाई का अंक कितने कितना हो गया, एक तो ये 7 हो गया इसमें इकाई का अंक, इस हम 2 को हम, क्योंकि हमें से मतलब है ही नहीं कुछ, 7 और 4 11 और 1 12, तो 12 आ गया इसमें। तो इकाई का अंक कितना आ गया बताओ, इसमें 2, इकाई का अंक कितना हो गया, इसमें 2। चलिए इसको हम फाइंड कर लेते हैं, हमें केवल 2 अंकों में 4 से ही भाग करनी है लास्ट के, तो 4 से इसको भाग करो। तो अब देखो 24 चौका 96 मतलब 24 बार ये भाग चली जाएगी इसमें 99, तो 24 चौका 96 और 99 से 96 घटाएंगे हम, तो 7 की पावर कितना बचा, 3, और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है,
7 × 49 = 343, तो इकाई का अंक कितना आ गया इसका, 3 आ गया प्लस। इसी प्रकार देखो इकाई का अंक इसमें 1 है तो 1 ही हो जाएगा इकाई का अंक, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता है प्लस। इसमें भी देखो 7 की पावर कितना बचेगा, यही भाग करके 99 4 से भाग करेंगे तो 7 की पावर 3 बचेगा, और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 7 × 49 = 343, 343 मतलब इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया इकाई के स्थान पर। अब इनको जोड़ लेंगे, 3 और 1 4 और 3 7, तो इकाई का अंक कितना आ गया इसमें, 7 आ गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।